अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो कर दी है हमने स्टार्ट। तो आपको एक नज़र में तो समझ आ ही गया होगा कि आज मैं क्या क्रिएट करने जा रही हूँ। आज के डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं, तो मेरे साथ एंड तक लाजमी बने रहिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मेरा डिज़ाइन जो है वो किस तरह क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं 7 से 8 जो बटरफ्लाइज जो हैं वो कॉर्नर के ऊपर ड्रॉ कर रही हूँ, डिफरेंट जगह पर साथ साथ जोड़ कर नहीं। तो उसके दरमियान में हम थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देंगे, लीव्स कर देंगे, जहाँ जहाँ हमें स्पेस खाली नज़र आ रही है। हमने कोई जगह जो है वो छोड़नी नहीं है, हमने उसे एक कॉर्नर की शेप देनी है, दैट्स इट। तो डिज़ाइनिंग जो है वो हमने रफली करनी है, कोई नीट नहीं करनी, बस बटरफ्लाई जो है वो हमें प्रोमिनेंट करनी है और उसके अलावा कुछ भी प्रोमिनेंट नहीं करना। तो यहाँ पर आते हैं सेकंड कॉर्नर की तरफ। तो जब तक मैं सेकंड कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ, तो अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अभी जज ना कीजिएगा, अभी तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं है, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए आप रेटिंग मत दीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैं अपना डिज़ाइन जो है वो किस तरह का क्रिएट कर रही हूँ। तो एंड तक लाजमी बने रहिएगा। आइए अपने डिज़ाइन की तरफ वापस चलते हैं। तो यहाँ पर मेरा दूसरा कॉर्नर भी कम्प्लीट हो चुका है। अब आते हैं बटरफ्लाइज में, बटरफ्लाइज को हम थोड़ा फिल कर लेंगे ताकि वो नेचुरल लुक आ जाए बटरफ्लाइज के अंदर। सारी बटरफ्लाइज को हम सेम तरीके से ही फिल करेंगे, कोई चेंज नहीं करना इसके अंदर हमने। तो इसके बाद आते हैं पैटर्न की तरफ। तो पैटर्न जो है आज का मैंने 4 लाइंस पैटर्न ड्रॉ किया है। आज का डिज़ाइन भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट रखने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारा जो कॉर्नर्स हैं वो ज़्यादा फिल हैं, लेकिन आज पैटर्न को भी हम थोड़ा सा बोल्ड टच देंगे। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न भी कम्प्लीट होता है। अब आते हैं कलर्स की तरफ। बटरफ्लाइज को हम 2 शेड्स करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं तमाम बटरफ्लाइज को पिंक कलर के साथ हाफ हाफ फिल कर लूँगी, क्योंकि हमने एक कलर ही सब में यूज़ करना है। तो ही हम इस तरह कर लेंगे कि एक कलर का टच जो है वो सारी बटरफ्लाई में हम कंप्लीट कर लेंगे, ताकि दूसरा कलर जो है वो हम बाद में कर सकें। तो यहाँ पर हमारी बटरफ्लाइज ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड शेड की तरफ, जो कि पर्पल कलर है। बाकी जितनी भी बटरफ्लाइज हमारी रह चुकी हैं हाफ हाफ, उन सब के अंदर हमने पर्पल शेड देना है। पर्पल शेड को हम इस तरह यूज़ करेंगे कि वो लगे कि हम एक नेचुरल लुक दे रहे हैं। थोड़ी सा मर्ज कर देंगे पिंक कलर के साथ ताकि वो एक नेचुरल लुक आ जाए उसके अंदर। तो यहाँ पर अभी तक किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर एक कॉर्नर हमारा बटरफ्लाइज के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड कॉर्नर की तरफ। तो सेकंड कॉर्नर जो है वो भी हमने सेम टू सेम तरीके से ही करना है, क्योंकि हमारी बटरफ्लाइज सेम है, डिज़ाइन सेम है, तो कॉर्नर भी हमारा सेम ही होना चाहिए, उनके शेड्स भी सेम होने चाहिए। तो इसलिए हम शेड जो है वो सेम टू सेम रखेंगे। यहाँ कॉर्नर जो है वो हमारी बटरफ्लाइज को सेम हो चुके हैं। अब आते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ, जो कि कॉर्नर के दरमियान में मौजूद थी। हम कोई और शेड यूज़ नहीं करेंगे, कोई लीव्स के अंदर लाइट ग्रीन कलर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ सबका सब जो सेम डिज़ाइन है वो हम ब्लैक कलर के साथ ही उसको टच देंगे, ताकि हमारी जो बटरफ्लाइज हैं वो प्रोमिनेंट हो जाए। आज का डिज़ाइन जो है वो बटरफ्लाइज के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसलिए हमने उसे प्रोमिनेंट करना ज़रूरी है, बाकी डिज़ाइन को प्रोमिनेंट करना ज़रूरी नहीं है। एक कॉर्नर की बटरफ्लाइज जो है वो प्रोमिनेंट हो चुकी हैं। अब आते हैं सेकंड कॉर्नर की तरफ। तो सेकंड कॉर्नर को भी हमने जितना उसको हाईलाइट किया था उसको हम जस्ट फिल कर देंगे, थोड़ा थोड़ा बोल्ड कर देंगे, लेकिन बटरफ्लाई का जो शेड है वो प्रोमिनेंट हो रहा है, हमें बस यही चाहिए था। तो यहाँ पर हमारे कॉर्नर्स कंप्लीट हो चुके हैं। पैटर्न को हम फिल कर लेंगे, दरमियान में हम पिंक कलर का यूज़ करेंगे और पैटर्न के साइड पे हम पर्पल कलर का शेड दे देंगे। कॉर्नर का सेम हमने टच देना है। यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। तो अगर किसी को आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मुझे कॉमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। अब मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।